करूंगा। इस मंडल के अध्यक्ष राज सिंह रज्जू जी वो भी श्री अनुराग ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। जिले में मंत्री भूरज सिंगल जी भी स्वागत करेंगे। सुंदर भैया जी, ललित चकाचक जी, अलका शर्मा जी, मनोज रतिया जी, योगेंद्र राजौरा जी, लालचंद जी, मीनाक्षी शर्मा, हेमंत उपाध्याय, हेमंत जी, लालचंद जी, आयुष पंडित, दीपक भजनपुरा वार्ड 200 प्यार और आशीर्वाद देने और आप सबसे निवेदन करने के लिए अनुराग ठाकुर जी सारथी की तरह आपके लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अजय महावर जी तथा तमाम मेरे मंच पर मंचासीन बैठे हुए साथीगण और सामने बैठे माताओं और बहनों भाइयों को मैं हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ, बड़ों को प्रणाम करता हूँ, छोटों को आशीर्वाद देता हूँ। आई अनुराग ठाकुर जी, माननीय मंत्री जी, आप लोगों के बीच में आए हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय विधायक जी को, माननीय मंत्री जी को, कि इस वार्ड भजनपुरा की जनता के लिए मैं अपने एक 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 बूंद खून की भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसको समर्पित कर दूंगा। मैं माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी का मैं उनके सामने ये प्रण लेता हूँ, सौगंध लेता हूँ, आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए और माननीय अनुराग ठाकुर जी, माननीय मंत्री जी की बातों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय रामराज तिवारी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी आदर योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे मित्रों, रात के 9:15 सारी माताएं बहने घर का काम छोड़कर राम राज लाने की तैयारी में बैठी हैं, यानी कि कमल का बटन दबाने की तैयारी में बैठी है। मैंने राम राज कहा तो तिवारी जी ने भी हाथ साथ के साथ ही जोड़ा। क्या है राम राज जी? 2014 से पहले देखिए देश में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कांग्रेस के घोटालों की चर्चा होती कि केजरीवाल का जन्म भी उसी घोटाले में हुआ। ये महाराष्ट्र से अन्ना जी को पकड़ कर लाए, चेहरा बनाया और पीछे से खेल कर गया। अपने बेटियों की कसम खाई, कहते मैं तो बस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। आए तो नहीं केजरीवाल जी राजनीति में? आए, मैं बेटियों की कसम खाई थी मैं नहीं आएंगे, फिर कसम खाई थी मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी तो नहीं ली, ले ली, फिर का मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। आए दिल्ली की छोड़िए पंजाब की भी, दो राज्यों की सुरक्षा ले ली। फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, घर तो छोड़िए जनाब, 25 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल घर में बनवा लिया। वैसे दिल्ली का स्वास्थ्य तो ठीक होगा, स्वास्थ्य मंत्री खुश है कि नहीं? आरे होंगे इलाके में स्वास्थ्य मंत्री आते हैं कभी कि नहीं आते? जेल में। कहां स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के? जेल में। अरे जेल में मसाज करा रहे, कुछ करवा तो नहीं रहे? अरे केजरीवाल जी ने लंदन और सिंगापुर तो यही मिला दिया, जेल में भी मसाज मिल रही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को। सड़कें बनी नहीं लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को जेल में भी मसाज मिल रही है। जेल मंत्री भ्रष्टाचार के चलते जेल में है,
और जेलर के चैंबर में बैठकर निर्देश दे रहा है जिसको जेल के अंदर ताले के अंदर सराखों के पीछे होना चाहिए। ये भ्रष्ट नहीं, ये बेशरम सरकार भी है तो अरविंद केजरीवाल की है, अरविंद केजरीवाल की। हिंदुस्तान में कभी इतनी बेशरम सरकार, इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी होगी कि 1200 करोड़ में अपनी छपाई पर, अपनी दिखाई पर, यानी कि अखबारों पे छपने में, होर्डिंग पर दिखने में और टीवी पे इश्तेहार चलाने में अरविंद केजरीवाल ने खर्च कर दिया। ये 1200 करोड़ आपकी सड़कें और नालियां बनाने में भी लग सकते थे, लेकिन दिल्ली की जनता का टैक्स पेयर का पैसा केवल देश भर में केजरीवाल को दिखाने के लिए खर्च किया जाता है। मित्रों, मेरा सवाल यह है कि जो कभी भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के तल तल में है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। मेरे भाई और बहन, शिक्षा मंत्री ने स्कूल तो काफी खुल गए होंगे विधायक जी, आपके लिए एक भी नहीं खुला। बहन जी 8 साल हो गए, ऐसा कैसे होगा? उसने कहा तो 500 स्कूल खुलवाएंगे, तो आपकी विधानसभा के हिसाब से 10-12 नए स्कूल खुल जाने चाहिए, तो खुल गए। अरे छोड़िए, स्कूल तो केजरीवाल जी ने क्या खोलना था, इनका शिक्षा मंत्री तो शराब के ठेके खुलवाने में लगा था। और केजरीवाल जी सबसे कमाल के, आज तक तो कोई विभाग ही नहीं लिया 8 साल में कि जवाबदेही ना देनी पड़े, कोई फाइल ही साइन नहीं की कि उनको जेल ना जाना पड़े। पहले सत्येंद्र जैन की, अब मुख्यमंत्री की तैयारी है। मेरे भाई और बहनों, जिस राज्य की सरकार घोर भ्रष्टाचार में डूबी हो, क्या उसको कभी निगम देने की तैयारी कर सकते हो? नहीं। अरे दिल्ली की जनता कहती है, क्या कहती है दिल्ली की जनता? बीजेपी कुछ और भी कहती कि नहीं कहती? बीजेपी कहती है। सोच रहे हो क्या कहना? अरे भाई रामराज लाने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेरे भाइयों बहनों, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के चलते हमने 2014 में कहा था मोदी जी को जिताओ, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। 8 साल हो गए देश की सरकार को चलाते हुए, कोई आज तक 1 रुपए के घोटाले का आरोप भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर नहीं लगा पाया। और तो और, जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उन अंग्रेजों को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को बनाने का काम मोदी जी ने कर दिया है। बगैर खरोंच लगे हिंदुस्तान वापस कोई लाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई। मैं अभी आते आते माथा टेकने रुक गया, वैसे तो मुझे पुजारी जी कहने लगे कभी केजरीवाल हमारे भी आते। मैं मुझे क्यों पूछ रहे? मैं क्यों, तो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कहते नहीं, कहते मौलवियों को तो 42,000 रुपया महीने का देने चले जाते हैं, लेकिन गुरुद्वारे के ग्रंथी हो, चर्च के पादरी हो या मंदिर के पुजारी हो, इनको 1 रुपया भी नहीं आता, लेकिन ग्रंथियों के, गुरुद्वारों के कुछ नहीं आता, लेकिन मौलवी को बिन नागा हर महीने 42,000 रुपया खाते में आता है। और इसलिए तो केजरीवाल कहते थे क्या जरूरत है राम मंदिर बनाने की, अरे इन जैसे लोग ही तो देश में थे तभी नहीं बनता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बना दी, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बना दी, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बना दी, दिव्य और भव्य अयोध्या धाम बना दी, भव्य राम मंदिर भी अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन केजरीवाल जी तो भोरियां भर के बेरे पे छत पे रख के चलाने के लिए, दिल्ली में दंगे हुए तो इनके पार्षद पकड़े गए, ना जाने क्या क्या भर के रखा था, क्या क्या करने वाले थे। ये वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट पाते हैं। लेकिन मित्रों, दूसरी ओर मोदी जी हैं, करतारपुर कॉरिडोर भी खुलवाते हैं, हेमकुंड साहब में रोपवे बनवाते हैं, बुद्ध सर्किट बनवाते हैं, तो चार धाम की यात्रा शुरू करके भी आस्था के केंद्रों में रोजगार स्वरोजगार के साथ साथ अर्थव्यवस्था के केंद्र बनाने का काम करती है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है। इसलिए दिल्ली से ताकत देनी है तो पार्षद, पहले 3 अलग अलग एमसीडी थी लेकिन अब उसको एक किया गया है। हम दिल्ली को, यानी कि दिल्ली की एमसीडी को केंद्र सरकार से जब सीधा पैसा भेजेंगे तो आपकी गली गली में
रामराज तिवारी जी खर्च कराएंगे, मेरे अजय भाई विधायक के नाते भी अपना पूरी अहम विकास करवाएंगे। समय ज्यादा नहीं है और आपके पास भी मात्र 3 दिन इसके बाद बचे हैं। आप अगले 4 दिन रामराज तिवारी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए घर घर जाकर वोट मांगिए। घर का मतलब ये नहीं कि नीचे दुकान खड़काई और चले गए। अगर ऊपर की मंजिल पे तीसरी पे कोई और है, दूसरी पे पहली पे कोई और है, तो हर मंजिल पर दस्तक दे के हाथ जोड़िए और बोलिए नगर निगम में कमल खिलाएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। जिताएंगे नहीं जिताएंगे? अरे आप भाजपा को लाए तभी तो धारा 370-35 समाप्त हुई, तभी तो ट्रिपल तलाक से निजात मिली, तभी तो सीए का कानून आया, तभी तो राम मंदिर बना, तभी तो कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा लहराया गया। यही है, तभी तो ये भारतीय जनता पार्टी है, तभी हो पाया।